वेल आई गेस फ्रीलांसर पहले चार एपिसोड जो थे वो उस कहानी को एस्टैब्लिश करने में uh, लग गए आई गेस दैट वाज द टाइम विच वाज डेडिकेटेड टूवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग द द द स्टोरी एंड अभी लास्ट के तीन एपिसोड द कंक्लूजन जो फिफ्टीन ऑफ दिसम्बर से uh, आने वाले हैं आई गेस वो uh, उस कहानी का कम्बिनेशन होगा कि किस तरीके से अविनाश कामत का किरदार जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो uh, आलिया को uh, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके सीरिया से वापस अपने घर लाते हैं I guess it's been a great journey. Uh, it's a it's a great opportunity for me as an actor because आपको एक uh, Disney Plus Hotstar के साथ काम करने का मौका मिलता है and Neeraj uh, sir के साथ Neeraj Pandey sir जो इतने बड़े visionary हैं we all know the body of work that he has done. So उनके साथ काम करने का मौका जब मिलता है तो I guess it's a dream come true for any actor. OTT uh, you know series में काम करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए वो भी Hotstar के साथ रीच uh, बढ़ जाता है जब आप ओ टी टी पे आ जाते हैं बिकॉज यू नो प्लेटफॉर्म्स आर स्ट्रीमिंग नॉट जस्ट इन द कंट्री मगर विश्व भर में वेल आई गेस यस मेरा आई गेस जैसे आपने पहले कहा कि पहले मैंने टेलीविजन से शुरुआत की थी सो आई हैव अ क्लोज रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग विद स्टार नेटवर्क एंड देन इवेंचुअली वन द ओ टी टी रेवोल्यूशन हैपन देन आई स्टार्टेड वर्किंग ग्रेजुअली स्लोली स्लोली टेकिंग माई बेबी स्टेप्स इन टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सो आई गेस एक अभिनेता के लिए स्पेशली मेरे लिए जो टेलीविजन में काम करते हैं बिकॉज टेलीविजन में अराउंड द क्लॉक काम होता है यू नो इट्स ऑलवेज अ रेस अगेंस्ट टाइम बिकॉज वी हैव टू डिलीवर इट क्विकली सो वहाँ पर एक अलग तरीके का काम करने का तरीका होता है ओ टी टी में अलग तरीके का काम होता है बिकॉज द स्पेस इज लिमिटेड द टाइम पीरियड इज़ लिमिटेड आपके पास कभी मौका होता है सात एपिसोड में अपनी कहानी को बताने का कभी आपके पास मौका होता है आठ एपिसोड में बताने का सो आई गेस थ्री फोर मंथ्स इन टू अ प्रोजेक्ट वे यू डेडिकेट योर सेल्फ टूअर्ड्स दैट प्रोजेक्ट अ मंथ गोज इन प्री प्रोडक्शन मे बी यू नो मे बी टू मंथ्स एक्चुअली इन द प्री प्रोडक्शन एंड टू टू थ्री मंथ्स इन शूटिंग सो इन फोर मंथ्स यू आर डन योर कमिटमेंट इज थ्रू इन दैट प्रोजेक्ट सो आई गेस समवेयर आपकी क्रिएटिव हंगर और क्रिएटिव नीड्स भी वहाँ सेटिसफाई हो जाती हैं एंड यू आर डेडिकेटेड टू वर्ड्स अ प्रोजेक्ट फॉर अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन यू मूव ऑन सो आई गेस फॉर मी एंड स्पेशली फॉर एवरी वन आई गेस जैसे अभिषेक चौबे जी ने इससे पहले कहा कि एक रेवोल्यूशन है एक बिकॉज ही इज अ स्टोरी टेलर तो हर किसी के लिए अलग अलग मौका होता है सो so सेम uh, मेरे लिए एज एन एक्टर इट्स अ डिफरेंट इट्स अ ड्रीम कम टू एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी प्रेजेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेर दिस ऑल दीज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंट डिफरेंट पीपल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा मगर इतने ट्विस्ट एंड टर्स होते हैं और कभी कभार आप वो हुक के संग छोड़ देते हैं कि बहुत बार ये पूछा जाता है आई थिंक सारे एक्टर्स से कि सीज़न टू रहा है जैसे आपसे भी पूछा गया होगा कि अब आगे क्या द कंक्लूजन क्या रहेगा जी वेरी ट्रू आई गेस वो सवाल uh, सब पूछते हैं बिकॉज एवरीबडी बिकॉज द स्टोरी इज सो ग्रिपिंग एंड ऑडियंस उस चार एपिसोड को बहुत जल्दी यू नो दे वॉच इट सो दे वॉन्ट टू नो वट इज द आउटकम उसका एंड क्या होता है तो जब आप उन्हें हुक पर छोड़ देते हैं सो so डेफिनेटली थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी होती होगी बट आई गेस दैट द वे द गेम वर्कस एंड दैट्स द वे हाउ थिंग्स फंक्शन सो इवेंचुअली दे विल कम टू नो दे वॉज अ गैप ऑफ थ्री मंथ विच वॉज टेकन आई गेस बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन बिकॉज यू नो द क्रिकेट फीवर वॉज ऑन दे वॉज वर्ल्ड कप दे वॉज एशिया कप सो आई थिंक मुझे पर्सनली लगता है कि जस्टिस इस कहानी का अभी होगा बिकॉज तीन एपिसोड जिनमें कलमिनेशन होगा वो अब होगा सो आई गेस इट विल बी कम्प्लीटली फुल ऑफ एक्शन फुल ऑफ ड्रामा यू नो इंट्रीगिंग फैक्टर ऑन एक्शन एंटरटेनमेंट इन द लास्ट थ्री एपिसोड्स। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्पाई जॉनरा में आप काम कर रहे हैं तो आपका फेवरेट स्पाई कौन है इफ़ वी आस्क यू और आपका फेवरेट एक्शन हीरो भी कौन है क्योंकि एक्शन भी कर रहे हैं वेल आई गेस हम स्पेशली मैं जेसम बॉर्न का बड़ा फैन रहा हूँ हमने वो बॉर्न आइडेंटिटी बॉर्न अल्टीमेटम वो सब वर्ल्ड हमने बहुत देखा हुआ है सो आई गेस उससे मैं काफ़ी प्रभावित होता था अपने यंगर डेज में एंड डाई हार्ट यू नो मेल गिब्सन के बड़े फैन रहे हम सो आई गेस ऑल एक्टर्स बट आई वुड से जेसन बॉर्न वॉज आई रियली रियली मायर्ड एंड रियली लाइक मैं ये भी आपसे पूछूंगा अनुपम खेर जी के साथ जी काम करने का अनुभव आपके लिए कैसा रहा बहुत अच्छा रहा यू नो you know, एक uh, एक एक्टर के लिए जो 40 साल से रिलेवेंट हैं जो 40 साल से काम कर रहे हैं एक सीनियर अदाकारें हैं सो so, उनके साथ आप जब काम करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है सो आई गेस यू जस्ट यू आर इन ऑफ एनी सीनियर पर्सन लाइक हिम एंड इट्स यू जस्ट लर्न फ्रॉम देम यू जस्ट ऑब्जर्व देम हाउ दे कंडक्ट दम से हाउ दे अप्रोच अ सीन कैसे वो अपने सबॉर्डिनेट्स uh, को जूनियर्स को कलीग्स को ट्रीट करते हैं आई गेस ऑल दीज आर लर्निंग एक्सपीरियंसिस एंड आई गेस हैविंग सीन हिम वर्किंग इन सारांश ईयर्स बैक एंड नाव क्लोजली गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम आई गेस इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी और वो भी इतफाक से उनका भी सफ़र यही रहा जम्मू कश्मीर से मुंबई जैसे आपका रहा जी जी वो भी कश्मीरी परिवार से बिलोंग करते हैं तो आई गेस uh, वो काफ़ी हम लोगों में सिमिलैरिटीज़ हैं मैं भी मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूँ और उनकी परवरी शौरभ बृंगी भी वैसी है सो आई गेस या आई गेस दीज आर द टॉपिक्स जिन पे हम लोग कभी कभी बैठ के बात करते हैं कश्मीरी खाने के बारे में कश्मीरी परिवार के बारे में सो आई गेस दैट दैट्स लवली